जय गंगा मैया। गंगोत्री धाम में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये गंगोत्री धाम का द्वार और ये रास्ता। आप सब जब आते हैं दर्शन करने, उस समय यहाँ कितनी भीड़ भाड़ होती है, कितने दुकानें खुली रहती हैं, छोटे छोटे पूजा की सामान, बर्तन, पुष्प और ना जाने कितने सामान रहते हैं। और इस समय देखिए सब कुछ बंद है, बहुत जोर की ठंड है। इस समय हम माँ गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम में हैं। महाराज जी आइए, जहाँ पर ऐसे घूम जाएंगे तो पीछे गंगोत्री धाम। राजा भागीरथ ने तपस्या की थी वर्षों वर्षों, और माँ गंगा को जगत कल्याण के लिए नीचे निवेदन करके नीचे प्रवाहित किया था, नीचे लेके गए थे। और यह स्थान आप देख सकते हैं, चारों तरफ हिम अर्थात बर्फ, और बर्फ़ में आप समझ सकते हैं कैसी ठंड। लेकिन आप विचार करिए, आपके पूर्वजों ने, उन ऋषियों ने, महर्षियों ने कितना तप किया होगा, जब जा कर के माँ गंगा का ये अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत आनंद आप पूरे विश्व को आनंदित करने वाला, जो कि नीचे तक बाबा को देता हूं, नीचे तक जो मिल रहा है। और एक बहुत अच्छी चीज आप देखिए, ये हम ऐसे कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणा मितारम संसार सारम मुझे निहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी नमामी। ये हमारा कर्पूर गौर की तरह ही भगवान शिव का स्वरूप है। ये इसी तरह देखिए, और यही वृक्ष भी अपने गोद में लिए हुए इन बर्फ को कैसे सुंदरता बढ़ा रहा है। उधर देखो, ये दिखाओ। अभी हमने ये पूरा मकर संक्रांति का बर्फ का गोला बनाया है। ये बर्फ का गोला, लोग कोई नीचे है नहीं तो इस बर्फ के गोले को यदि हम मारे किसी के ऊपर, इसमें कोई नहीं है, यहाँ फेंक सकते हैं आप नीचे, इधर इधर यहाँ कोई नहीं। ये लो, ये हमारा बर्फ का गोला जा रहा है महात्मा, जा रहे महात्मा। और ये हमने बर्फ का गोला ये दिया। हर हर गंगे, जय सीताराम। आ रहे प्रभु। महाराज जी इधर ही है कहीं, आवाज आने लगी। हाँ सुनिए, चलो हरिओम हरिओम हरिओम, और सब ठीक है। चलो आप देख सकते हैं हमारे साथ बर्फानी बाबा, परम पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज, वर्षों से ऐसे बर्फ में ही तप साधना करते हैं और हम सबको प्रेरणा स्रोत जी महाराज जी। आप देख सकते हैं कैसा, जैसे लुरुई जैसे लग जरूर रहा है, बड़ा आनंद है। आइए एंड कर लो। जय हो गंगा भैया। जय गंगा मैया। आपको अभी नहीं शायद पता चल रहा होगा हम कहाँ हैं, गंगोत्री धाम हम प्रवेश कर रहे हैं शीतकाल में। शीतकाल में यह गंगोत्री धाम आप सब आते होंगे, दर्शन करते होंगे। मंदिर अभी पट बंद है, हम लोग राघवानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। आप हम लोग मंदिर परिसर पहुंचे हैं और पट तो बंद है मंदिर परिसर के, और बड़ा आनंद का पल है ये। आप देखिए अभी नीचे भी आपको दर्शन कराएंगे, माता गंगा का घाट है नीचे। ये माता जी का दरबार, आप सब कई बार आए होंगे तो आप सबों ने दर्शन किया होगा। और हम लोग यहीं से माँ को प्रणाम कर लेते हैं। अब कहने के लिए तो जूते पहने हुए बिना जूते के अभी नहीं चल सकते, इसके लिए माँ को क्षमा, माता से क्षमा मांगते हैं। अभी तो खैर पट बंद है, आप देख लीजिए किस तरह से पट बंद है। भोलेनाथ जय जय बम बम बोले शंभो शिव शंभो, आया रपट्टे हरे हरे महादेव। आनंद का पल। आइए महाराज जी, महाराज जी के साथ हम लोग घाट की तरफ चलते हैं। महाराज जी आइए, आप देख रहे हैं परम पूज्य स्वामी अग्निसनंद जी महाराज शिवलिंग बना करके शिव आराधना करते हुए, और ओम
बड़ी शिव भक्ति में लीन है। जटाटवि गलत ज्वला प्रवाह पवीते स्थले गले अलंबी लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। इन मालाओं में भुजंग तुंग मालिकाम जैसे कि शिव की भुजाएं हैं, बड़ा आनंद कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। वास्तव में इसे श्वेत पहाड़ों को देख करके ऐसा लगता है कि करुणा का अवतार है भगवान, और गिरी के रूप में भी, पुरी के रूप में भी, सब रूपों में उस वही एक ही परमात्मा है। उसी परमात्मा का आनंद ले रहे हैं महाराज, देख सकते हैं, और बड़ा आनंद का क्षण है। हरि ओम। जो आप देख रहे हैं ये सब गंगा मैया है, लेकिन अभी बर्फ में जमी हुई है। नीचे एक छोटी सी धार, हल्की सी धार बह रही, हम केवल एक बार आचमन करके, बहुत ठंडा है। ये गंगा जी एकदम पत्थरों के नीचे से, ये सब पत्थर है, इन सब के नीचे माँ गंगा बह रही है। हम लोग हल्का सा आचमन करते हैं, जल तो हमारे संतों ने भर दिया। और ये जो हम चल रहे हैं ये कोई खतरे से खाली नहीं है, इसलिए यहाँ शीतकाल में साधारण किसी को भी आने पर वर्जित है, या तो केवल संत, संतों का ना आगे अनाथ, ना आगे नाथ, ना पीछे पनाथ वाला हाल है। और अभी हम लोग नीचे आराम आराम से उतर के, ये हमारे ब्रह्मचारी महोदय ये हम जिसमें चल रहे, ये सब माता गंगा का ही तट है। नीचे नीचे गंगा ही कह रही है, केवल हल्का सा आचमन तो करते हैं। महाराज जी आराम से, ए पकड़ो महाराज जी को, करंट जैसा जल है, जल में करंट है। मेरे हाथ लाल हो चुके हैं, तुरंत हाथों को पोंछ ले रहा हूं, क्योंकि हाथ आप देख रहे हैं किस तरह लाल हो गया, बहुत ज्यादा ठंड है। माँ गंगा की पावन कृपा हम सब पर बरसी, हम सबों का आगमन हुआ, और गिरने फिसलने का बहुत डर है यहाँ। गंगोत्री में आम जनता को शीतकाल में इसलिए भी नहीं रखा जाता है, ये आपको पता ही क्या है, इसके पानी की टंकी है, ये देखिए, और इसके ऊपर इतनी बर्फ जमी हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि अंदर कितनी बर्फ होगी। इसलिए यहाँ केवल साधना करने वाले संत हैं, दिव्य संत, लगभग 35 से 40 ही महात्मा हैं, उन सब के हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आगे ईशावास्यम में महाराज जी के दर्शन कराते हैं, आइए। हम लोग को पहुंचते उनके निकलने का टाइम हो जाएगा। पर चढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सीढ़ियां दिख नहीं रही होंगी। मंदिर राधा कृष्ण का मंदिर है, ये राधा कृष्ण का मंदिर है, पट बंद है पूरी तरह से, अभी कोई नहीं है। ये हम लोग राधा कृष्ण मंदिर आए दर्शन करने, और जी भाई अब हम लोग नीचे गंगोत्री से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, आगे प्रशासन की गाड़ी और पीछे हम सब लोग संतों की गाड़ी चल रही है। ठंड काफी है, और अब हम लोग नीचे हर्षिल की तरफ, गणेशपुर की तरफ धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। आप सब लोगों को शीतकाल में गंगोत्री आना हो तो हम सभी संतों से संपर्क करें, हमारे विशेष रूप से रोहित जी महाराज जी से आप सब संपर्क करें, वो कई वर्षों से गंगोत्री में हैं। आप सबों को बहुत बहुत साधु।